सारी अलग अलग सीटों को साधने की कोशिश होगी इस पूरे कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी की। उत्तर प्रदेश में चुनाव का प्रचार प्रसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इससे पहले भी कर रहे हैं और तारीखों का चूंकि अनाउंसमेंट हो चुका है, ऐसे में मेरठ आज पीएम मोदी पहुंच रहे हैं और मेरठ से अरुण गोविल को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, अपना उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में अरुण गोविल के पक्ष में प्रचार प्रसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और चूंकि एनडीए के साथ आरएलडी भी आ गई है, ऐसे में जयंत चौधरी भी मंच पर मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी मौजूदगी रहेगी। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से अब की बार एनडीए 400 पार का नारा इस मंच से दिया जाएगा। पंकज मेरे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा डिटेल्स के साथ। पंकज, बड़ी रैली मेरठ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, कितने बजे से पूरा कार्यक्रम शुरू होगा, पीएम मोदी कब पहुंच रहे हैं मेरठ, मंच पर कौन कौन मौजूद रहेगा पीएम मोदी के साथ? जी बिल्कुल, बता दूं कि आज 3 बजे जो प्रधानमंत्री मंच पर पहुंचेंगे और जो है मोदी और जयंत बच्चू को मिलकर दोनों साधेंगे। यानी कि बात करें तो जयंत चौधरी भी अब 15 साल में, यानी कि जो रालोद है, 15 साल बाद बीजेपी के साथ मंच पर नजर आएगी। और सबसे बड़ी बात करें तो इस बार यानी जिस तरह से कल यानी कि चौधरी चरण सिंह को जो है सम्मान दिया गया है, भारत रत्न दिया गया है, उसके बाद जो मोदी है प्रधानमंत्री है, मेन फोकस उस पर होगा। दूसरी यहाँ पर जो बात करें तो गन्ना बेल्ट है, यानी कि किसान होगा पश्चिम उत्तर प्रदेश, यानी कि जो है गन्ना क्षेत्र कहलाया जाता है, तो सबसे ज्यादा फोकस उस पर होगा। और उनके साथ यानी कि 2 बजे जो है यहाँ पर जो है सीएम, यानी जो है सीएम यहाँ पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है लगभग 2:30 बजे के आसपास जयंत चौधरी यहाँ पर पहुंचेंगे, 3 बजे प्रधानमंत्री मंच पर यहाँ पर पहुंचेंगे और दोनों यानी कि जयंत चौधरी और जो प्रधानमंत्री है वो लोगों को जो है मिलकर जो है जीत का मूल मंत्र देंगे। जी बिल्कुल, तो देखिए अपने आप में ये पूरी रैली, ये पूरा कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खास रहने वाला है, चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी मौजूद रहेंगे और जाटलैंड कहा जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, मेरठ के आसपास। और कितनी लोकसभा की सीटें लगती हैं जिन पर असर होगा पीएम मोदी के इस पूरे कार्यक्रम का, चूंकि मेरठ से अरुण गोविल को प्रत्याशी बनाया है पार्टी ने, तो ऐसे में क्या अरुण गोविल भी साथ में रहेंगे आज? बिल्कुल, 5 लोकसभाओं का ये कार्यक्रम मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ और बागपत, यहाँ के जो प्रत्याशी है वो मौजूद रहेंगे। मेरठ से जो है अरुण गोविल को टिकट दिया गया, अरुण गोविल वही है जो हम बचपन में रामायण देखते थे, जो उसमें राम की भूमिका निभाते थे, अरुण गोविल वही है, उनको ही यहाँ पर टिकट दिया गया। लगातार पिछले 3 बार से जो है यहाँ पर मेरठ में बीजेपी के जो है राजेंद्र अग्रवाल थे वो यहाँ पर सांसद थे, लेकिन अब 4th बार जिस तरह से यहाँ पर जो राम को, यानी कि हम कह सकते हैं कि राम को टिकट दिया गया है, रावण की ससुराल में क्या यहाँ जो है राम की 4th बार जीत होती है, ये तो एक आने वाला समय बताएगा। जी बिल्कुल, आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से एनडीए अब की बार 400 पार का नारा दिया जाएगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश बेहद अहम है। पूरे यूपी की अगर बात करें, एनडीए 400 पार का नारा तो दिया ही गया है पंकज, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी 75+ का टारगेट लेकर चल रही है। ऐसे में पीएम मोदी जब अलग अलग जगहों पर दौरा कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो वोटर्स पर कितना प्रभाव इसका पड़ता है? मेरठ की जनता कितनी उत्साहित है आज पीएम के दौरे को लेकर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले की यानी कि जो सीएम है वो लगातार रैलियों को कर रहे हैं, चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे मेरठ हो, चाहे बिजनौर हो, वो लगातार पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपनी लगातार पकड़ बना रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, लोगों से लगातार संवाद कर रहे हैं, लोगों के बीच जाकर उनकी जो बातें हैं वो सुन रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश बिल्कुल खास है, पश्चिम उत्तर प्रदेश को ये लोग अच्छी पकड़ बनाना चाहते हैं और आज इसी उस पर प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और जो उनके कार्यकर्ता है, जो उनके लोग हैं, उनको जीत का मूल मंत्र देंगे और जो लोगों के बीच पहुंचकर वो यानी कि उन लोगों को बता सके। जी बिल्कुल, और देखिए मंच पर जयंत चौधरी भी चूंकि मौजूद रहेंगे, ऐसे में अपने आप ये पूरा कार्यक्रम खास हो जाएगा। एनडीए की तरफ से एक तरह से दिखाने की कोशिश रहेगी एकजुटता, बताया जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर भी मंच पर मौजूद रहेंगे। पंकज, और किस किस की मौजूदगी रहेगी, टारगेट क्या रखा गया है, लोग कितनी बड़ी संख्या में पहुंच सकते हैं और क्या रोड शो भी होगा रैली से पहले? हालांकि देर रात रोड शो की जो है परमिशन मांगी गई थी, लेकिन देर रात तक परमिशन नहीं मिली थी। लेकिन अब बात करूं, चाहे संजय निषाद हो, चाहे राजभर हो और चाहे जयंत चौधरी, ये लोग और अनुप्रिया पटेल, ये लोग मंच पे रहने वाले हैं। और सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो है
जैन चौधरी उनके दो प्रत्याशी यानी कि गठबंधन दो प्रत्याशी बागपत से राजकुमार सागवान और बिजनौर से जो है जो चौहान यानी कि जो चौहान को टिकट दिया गया वे यहां पर मौजूद रहेंगे। तो यानी कि पांच लोकसभा के जो प्रत्याशी वो भी यहां पर मौजूद रहेंगे। दूसरी चीज जो सुरक्षा है, सुरक्षा के रात जो है पुख्ता इंतजाम कर लिए गए थे। लगभग जो यहाँ पे लोगों की यानी कि गैदरिंग की व्यवस्था जो यहाँ पर चेयर वो 1,00,000 लोगों की यहाँ पर व्यवस्था की गई है, लेकिन जो लोगों का अनुमान है कि 1,00,000 से ऊपर यहाँ पर लोग पहुंचेंगे। जी बिल्कुल। तो जयंत चौधरी के साथ बीजेपी की देखिए जाटलैंड को साधने की पूरी तैयारी है और आज उसकी झलक मेरठ में देखने को भी मिलेगी। सुरक्षा व्यवस्था के कितने कड़े इंतजाम किए गए हैं मेरठ में, एहतियात किस तरह से प्रशासन बरत रहा है, क्या कुछ रूट डायवर्जन भी किए गए हैं इस पूरे कार्यक्रम को देखते हुए, चूंकि आप बता रहे हैं कि लाखों में भीड़ पहुंचेगी। बिल्कुल, जहां ये कृषि विश्वविद्यालय में जहां पर ये प्रोग्राम है बराबर में जो है NH-58 है, तो उसको देखते हुए जो देर रात है वो रूट डाइवर्ट जरूर कर दिया गया, लेकिन जो हल्के पुल्के वाहन है वो अभी भी उसी रास्ते से गुजर रहे। रही भीड़ की बात करें तो भीड़ जो है उसके लिए अलग अलग पार्किंग बनाई गई है। जी चलिए ठीक है पंकज, नजर आप बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए।